हाय गाइस, तो आज हम डे 11 क्विज़ करने वाले हैं पेपर 1, और आज का टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड का। तो रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक हमने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो उसमें हमने काफ़ी टाइप्स ऑफ रिसर्च एक्सप्लेन करे हैं। क्वेश्चंस में हमने क्वेश्चंस के अंदर ही कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। अभी इन क्वेश्चंस में जो फर्दर 5 क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन 51 to 55, हम उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। क्वेश्चन 51 कहता है रिसर्च इज़। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च इज़ सो सर्चिंग अगेन एंड अगेन। सो बेसिकली रिसर्च का हम अगर लिटरल मीनिंग पे ना जाए, रिसर्च हम इसके लिटरल मीनिंग पे ना जाते हुए हम रिसर्च का मतलब देखते हैं। रिसर्च क्या होता है? एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होती है जिससे कि हम कोई फैक्ट्स इस्टेब्लिश कर पाए या कोई हम नए कॉन्सिक्वेंसेस पे जा पाए। तो रिसर्च का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन में एक प्रोसेस को आगे बढ़ाना जिससे कि कोई जो आपके आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है उसकी एक बेसिक कंक्लूजन पे आप पहुंच पाए, एक करेक्ट ट्रूथफुल कंक्लूजन पे पहुंच पाए। तो सर्चिंग अगेन एंड अगेन इस काफ़ी लेमैन लैंग्वेज में सर्चिंग अगेन एंड अगेन फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। तो ये भी सही है वैसे कि हम कोई प्रॉब्लम होता है आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, और रिसर्च क्या करता है उस प्रॉब्लम को जो हम हाइपोथेसाइज करते हैं उसको फर्दर सोल्यूशन में कॉन्सिक्वेंस में लाता है। तीसरा है वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ द प्रॉब्लम। तो एक साइंटिफिक वे में, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन में ये जाता है, एक प्रोसेस होता है रिसर्च का विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करेंगे इस प्रोसेस को। तो इस क्वेश्चन से आपको ये पता लगता है कि पढ़ने में सारे ऑप्शंस ठीक है, बट आपको पेपर में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। यू हैव टू रीड एवरी ऑप्शन हियर बिकॉज हर एक ऑप्शन आपको सही लग सकता है। बिकॉज सर्चिंग अगेन एंड अगेन आप लिटरल मीनिंग पे चले जाए अगर, फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम बिकॉज द मेन मोटिव ऑफ द रिसर्च इज टू फाइंड अ सूटेबल कंक्लूजन टू योर हाइपोथेसाइज प्रॉब्लम। सी क्या होता है? वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे। तो बेसिकली ये यही है कि साइंटिफिक वे में आप एक ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम पे जाते हैं एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, दैट वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च द ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है? रिसर्च प्रोसेस होता है एक रिसर्च, जब आप शुरू करते हैं सबसे पहली चीज़ होती है आपकी, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। आप जो भी प्रॉब्लम है आप उसको आइडेंटिफाई करो, आप जो बाकी रिसर्चर्स ने उस पर काम किया है दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू, उनको गो थ्रू करो, आप उनको एनालाइज करते हो, फिर आप अपनी प्रॉब्लम को स्टेट करते हो। जो गैप मिलता है आपको लिटरेचर रिव्यू में आप उससे अपनी प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं, आप हाइपोथेसाइज करते हैं उसको, और फिर आप कलेक्ट करते हैं डेटा थ्रू वेरियस सोर्सेज, बी इट प्राइमरी और बी इट सेकेंडरी। फिर आप उस डेटा को एनालाइज करते हुए इवैल्यूएट करते हैं अपने रिसर्च को। सो दिस इज़ द रिसर्च प्रोसेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट द फर्स्ट स्टेप विच हैज़ बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन इज दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। बिकॉज जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप रिसर्च को शुरू नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 53। अ रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ द रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। तो हमने जैसे कि पहले क्वेश्चन में प्रोसेस डिस्कस करते हुए बोला था कि जब आप कलेक्ट करते हो डेटा को दैट कि वो प्राइमरी डेटा भी हो सकता है और सेकेंडरी डेटा भी हो सकता है। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? जब आप खुद से कोई ओरिजिनल वर्क करते हैं, आप खुद से ऑब्जर्व करते हुए डेटा को कलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप सर्वे कर रहे हैं, आप क्वेश्चनेयर्स ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी डेटा में आती हैं। वेयरएज जब आप सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं तो सेकेंडरी डेटा में न्यूज़पेपर्स की जो मटेरियल है वो आ सकता है, जो बाकी रिसर्चर्स ने ऑलरेडी काम किया हुआ है दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू, जो कि बेसिकली हर एक रिसर्च में यूज़ होता ही है, वो आता है। या फिर आप
कंपनी की रिपोर्ट्स अगर जो होती है वो आ सकती है, जो फाइनेंशियल डेटा अगर आप किसी अपने रिसर्च वर्क में यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपका एक टाइप ऑफ सेकेंडरी डेटा है। तो कहने का मतलब है प्राइमरी रिसर्च होता है जो आप खुद से ओरिजिनल वर्क करते हुए डेटा कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी रिसर्च होता है जब आप दूसरों के बनाए हुए डेटा को एनालाइज करते हुए अपने रिसर्च वर्क में यूज़ कर रहे हैं वो होता है। बट इसमें भी मैं एक आपसे एडिशनल कॉन्सेप्ट यूज़ करती हूँ, डिस्कस करती हूँ, वो है सेकेंडरी डेटा जब आप जबी भी आप यूज़ करेंगे एथिक्स होते हैं कि जब आप दूसरे का काम अपने वर्क में साइट करेंगे, सो साइटेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ द एथिक्स ऑफ द रिसर्च, द मेन पार्ट ऑफ द एथिक्स ऑफ द रिसर्च। सो हमें ये पता है रिसर्च पेपर इज़ अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। Now question 54, the government of India conducts census after every 10 years, the method of research used in this process is, तो हमें पता है कि census जो होता है वो हर एक every 10 years में India government जो है वो conduct करती है, और census होता क्या है, सेंसस बेसिकली होता है कि आप अपने कंट्री के बारे में डेमोग्राफिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सारी चीज़ों के बारे में आप जब आप डेटा को कलेक्ट करते हैं वो होता है सेंसस। और सेंसस को कलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है, वो होता है सर्वे। बिकॉज हमें पता है केस स्टडी क्या होता है, ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है, सो डू वॉच दैट वीडियो, बट इन ब्रीफ मैं आपको बताती हूँ केस स्टडी क्या होता है। कोई भी एक पर्टिकुलर केस है और उस केस के लिए आप हर एक एंगल से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाह रहे हैं। ऑब्जर्वेशन होती है, यू ऑब्जर्व समथिंग एंड यू ट्राई टू एनालाइज दैट थिंग। एक्सपेरिमेंटल भी क्या होता है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे होते हैं। पर सेंसस को कलेक्ट करने का डेटा क्या होता है, सर्वे। आप हर एक चीज़ को एनालाइज करते हैं, आप हर एक पर्सन को, आप अपने टारगेट पॉपुलेशन को पहले डिफाइन करते हैं, और उस टारगेट पॉपुलेशन में अगर आप सर्वे करेंगे तो आप हर एक लोगों के पास जाएंगे और आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, सो दैट इज़ सर्वे। आपने कई बार देखा भी होगा कि कोई भी अगर स्टार्टअप होता है और वो अपना इनिशियल जो है सर्वे कर रहे होते हैं कि उनका प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, सो दे प्रोवाइड यू विद द क्वेश्चनेयर्स, जिससे कि आप अपना फीडबैक उस क्वेश्चनेयर में दे पाए। तो वो एक बेसिक सर्वे करते हैं, अपने टारगेट पॉपुलेशन को सेट करते हैं और उसमें सर्वे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू मेक यूज ऑफ द इंटरनेट। तो इंटरनेट का यूज़ आप सबसे ज़्यादा किस में करेंगे, आप वेब कॉन्फ्रेंस में करेंगे। बिकॉज आप ये भी देखिए कि वेब वर्ड यूज़ हो गया है, तो ऑब्वियसली वेब कॉन्फ्रेंस में आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे। अब जो है कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल में किया जाता है। कॉन्फ्रेंस को एक तरीके की मीटिंग होती है, आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मीटिंग रखते हैं, दैट इज़ कॉन्फ्रेंस। सेमिनार जो होता है वो लेस फॉर्मलाइज, लेस स्ट्रक्चर्ड होता है दैन कॉन्फ्रेंस, और लेस नंबर ऑफ पीपल के साथ होता है सेमिनार। सेमिनार मे बी फ्रॉम लाइक 5 to 10 पीपल ऑल्सो। सिंपोजियम जो होता है, सिंपोजियम इज सिमिलर टू कॉन्फ्रेंस, बट सिंपोजियम जो है वो थोड़े कम लोगों के साथ होता है, बट वेयर एज कॉन्फ्रेंस जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ हो सकता है। सो देयर इज यूजुअली अ कंफ्यूजन बिटवीन व्हाट सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप इज, और ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ इन डिटेल। बट ये क्वेश्चन जो था वो है मेक यूज ऑफ द इंटरनेट, तो एज द नेम सजेस्ट वेब कॉन्फ्रेंस, आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, आप एक ही सिंगल टाइम पे काफ़ी सारे लोगों से कनेक्ट होते हुए एट डिफरेंट प्लेसेस आप कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर सकते हैं, सो दैट इज़ बेसिकली अ वेब कॉन्फ्रेंस इज। सो विद दिस क्वेश्चन 55 वी आर डन विद दिस सेक्शन। तो हमने इस सेक्शन में 5 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक ऑन दी बेल आइकन, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, आप अपनी क्वेरीज आस्क करिए, एंड वील डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू।